मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का स्वागत पुष्प भेंट कर, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी का स्वागत पुष्प भेंट कर, माननीय स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री अनुपम कुमार जी के स्वागत के लिए, कोविड-19 के वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अद्भुत प्रशासनिक क्षमता एवं दायित्वों का निर्वहन किया है, स्वागत करें, साथ ही कार्यक्रम पर विशेष चर्चा करें, स्वागत की चुनौती और उसके आलोक में आधारभूत संरचना। तमाम पदाधिकारीगण, प्रदीप झा, संजय जी, कौशल की स्वास्थ्य विभाग एक टीम के रूप में सभी लोगों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और हालांकि ये अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, दूसरा चरण अब केरल महाराष्ट्र जी को किट प्रदान कर इनके स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु इनकी सराहना की जाए। आभार। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिखाइए फाइल फाइल थोड़ा सा बैक हो जाइए सर, थोड़ा सा आपको थोड़ा बैक हो जाइए सर। हाँ बस सर थोड़ा डाउन किया सर, थोड़ा सा थोड़ा डाउन किया। आज भी देखते हैं ना, इतना हम लोग जांच करा रहे हैं, उसी के चलते तो पता चल जाता, कई जिलों में शून्य आ जाता, आज शून्य आ गया, और कल जांच हुआ तो उसमें एक आ गया, दो आ गया, तो एक एक तरह से अगर कहीं भी किसी भी जिले में जांच में अगर कुछ भी लोग बचेगा, और अभी क्या है, अभी तो किसी दिन 30, 35, 40 ये मिल रहा है, पूरे बिहार में हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि भाई एक एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पता करते रहे, और जब पता होगा इसका फैलाव नहीं होगा। तो ये सब काम हो रहा है, तो टीकाकरण का भी काम हो रहा और लोगों के जांच का भी काम हो रहा, तो हर तरह से और लोगों की सुविधाओं के लिए भी वो काम किया गया है, तो इन सब चीजों के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, और तीसरे फेज के लिए भी हर तरह से सारे अस्पतालों में जो तीन प्रकार का इंतजाम है, हर चीज के लिए पूरे तौर पर करके रखा गया है, दवाओं के लिए कोई कमी नहीं हो जाए, दवाओं के लिए भी सारा प्रबंध के लिए, तो हर तरह से हमारे यहाँ विभाग पूरे तौर पर जो काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग और बाकी जितना प्रशासन है, हर किसी को इस बात के अलर्ट किया गया है कि लोगों को अलर्ट रखिए। हम एक बात करना चाहते हैं भाई, इधर हमारी तो इच्छा होती है, तो ये तो कोरोना आ गया है, ज्यादा जगह जा नहीं पाते, बड़ा मन दुखी रहता है, हम सच बताते हैं, और जब कहीं निकलते हैं और कहीं जाते हैं और कुछ देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, उस दिन अच्छा लगता है। अभी हम कई जगह कुछ भी देखने चले जाते हैं कि भाई देखिए तो जरा सा मास्क लोग पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है, आप देखा कि नहीं, तो उसके लिए तो सब लोगों को कहा गया है कि लोगों को कहिए भाई, अब देख लेता है कभी ठीक ठाक है तो लोग छोड़ रहे हैं, भाई अब तीसरा डोज कहीं से शुरू हो जाए, तीसरा फेज, आप समझ लीजिए मास्क जरूर पहनिए, दूरी जरूर बना करके रखिए, हाथ को साफ जरूर करते रहिए, बिना कारण इधर उधर मत घूमिए, जरूरत के मुताबिक ही जाइए, तो ये सब बात तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे तौर पर एक एक काम जो किया जा रहा है,
आप जानते हैं ना, पहला डोज में जब शुरू, पहला फेज में जब शुरू हुआ तो इतना जांच इतना कम हो गया, 20,000 पर आ गया, और उसी में बढ़ना थोड़ा थोड़ा हमने कहा भाई कि भाई इस हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण का दौर शुरू हुआ तो सब लोगों की रुचि टीकाकरण में थी। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को जांच भी करना चाहिए। तब से जांच हम लोग पूरे तौर पर करके देख रहे हैं, ताकि हर प्रकार से किसी तरह की असुविधा न हो लोगों को जागरूक रखना। तो ये सब काम किया जा रहा, तो मुझे तो आज बहुत खुशी हुई आप सब लोगों के इस कार्यक्रम को देख करके। तो हम तो अब यही कहेंगे कि जितना काम किया जा रहा है, अब जितने चीजों का आज शिलान्यास कराया गया, उद्घाटन कराया गया, लोकार्पण कराया गया, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया, अब कितनी जगहों पर अस्पतालों का काम होने जा रहा है। हम लोगों ने जो तय कर दिया है कि सब जगह हर तरह की सुविधा लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे, तो ये सब सारा काम हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इससे बिहार के लोगों को बहुत सुविधा होगी और ये बहुत आवश्यक है, इसलिए आज के इस अवसर पर आप लोगों ने किया। और इसी तरह से फिर मंत्री जी ने बता दिया कि नवंबर महीने में फिर जो बाकी बहुत सारा काम है, अब ये लोग तो आज करा लेते हैं, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी टेंडर करते हैं तो सिंगल टेंडर आ जाता है, तो उसको नहीं करना पड़ता। तो इसलिए बहुत सारे अस्पतालों का भी काम तय कर दिया गया, उसके लिए राशि निर्धारित कर दी गई है, पास कर दिया गया है कैबिनेट से। तो अब ऐसा लगता है कि 7-10 दिन के बाद वो भी तय हो जाएगा, और हम समझते हैं कि इसी महीने में बाकी सब भी जो काम है, जितने अस्पतालों के बारे में निर्णय है, वो सब काम आप लोग प्रारंभ कर दीजिएगा, ये खुशी की बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने जो कार्यक्रम किया है और सब लोगों को जो इंगेज कर रहे हैं, अब हम लोगों को एक ही चीज करना है, सब लोग यहाँ पर उपलब्ध है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, हर जिले के लोग। वैसे तो हम इस बात को कहते ही हैं, लेकिन इस बार भी हम पुनः कहेंगे कि लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूक करिए, और मास्क पहनने वाली बात लोगों को कहिए, और कहीं भी कोई आदमी न बचे, सबका टीकाकरण, और जगह जगह जाकर के जांच भी करते रहना है हम लोगों को, ताकि इसमें लोगों का बचाव हो जाए। तो आज इस अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, और इसके माध्यम से हर जगह इस बात को, एक एक चीज को आप लोगों ने रख दिया है, तो अब तो अच्छी बात है। लेकिन अब हर चीज को, जो भी काम हो रहा है विभाग के, इस काम को सोशल मीडिया पर भी एकदम निरंतर डालते रहे, क्योंकि आजकल तो एक सोशल मीडिया का काम हो गया है ना, कि कुछ लोग तो जानता नहीं है किसी चीज के बारे में, मौलिक चीज की जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखता रहा। एक तरफ सोशल मीडिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट है और दूसरा तरफ निगेटिव, जहां कम होता है वो अपना प्रचार खूब करता है। हम तो कई कई राज्य का देखे हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है कोरोना से, उसको हम लोग पहले ही दौर से, पिछले ही साल से 4,00,000 रुपया दे रहे हैं उनके परिवार। आप देखते हैं अखबार में कितना विज्ञापन छपता है, यहाँ पर कोई जगह से 50,000 दे रहा है, उसका विज्ञापन छपा हुआ था। हम लोग तो नहीं कर विज्ञापन छपाते, हम इस सब पैसे का उपयोग हम नहीं करते। नहीं तो पता चले अभी पूरे देश के सभी अखबारों में अगर हम लोग विज्ञापन छपवा दें कि हम लोग कब से दे रहे हैं 4,00,000 रुपया, तो क्या स्थिति बाकी जगह पर शुरू हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो हम तो प्रचार प्रसार नहीं करते, लेकिन आप समझ लीजिए सच्चाई। और जितने जो प्रभावित लोग थे उनके बारे में जो जानकारी थी और हुआ कि नहीं साहब, ये तो हम देते हैं धन्यवाद कि लोगों को हुआ कि नहीं साहब, इसको हम लोग एक बार फिर गौर से देखें कि कहीं कोई मृत्यु हुई और उसकी जानकारी ठीक से नहीं हो पाई, लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये भी काम करवाया गया। और पूरे तौर पर जिनकी सूचना पहले मिलती थी उनको तो सब कुछ दिया जा रहा था, लेकिन जिनकी सूचना नहीं मिली थी उस सूचना को प्राप्त करने के लिए भी किया गया। और कल भी एक व्यक्ति आए हमारे यहां जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाले कार्यक्रम में, कहा यहीं का रहने वाला है और उसके पत्नी का, उसका खुद ही दिल्ली में इलाज कराया था और उसकी पत्नी भी गई थी उनकी, लेकिन ये बच गए और पत्नी का निधन हो गया, वहां करके बताया कि हमको नहीं मिला। तो तत्काल हमने तुरंत कहा अपर मुख्य सचिव को कि भाई हमारे बिहार के लोग अगर बिहार के बाहर
इलाज में उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों को तो 4 लाख रुपया उनको भी देना ही देना है जो हमारे बिहार के लोग हैं। ये भी गर्वी हो गया, हमें किसी तरह से कोई चीज मिस नहीं कर जाए, छूट नहीं जाए, तो हम लोग तो इस तरह से काम करते रहते हैं। और आप देख लीजिए कि किस तरह से शुरू से ही हम लोगों ने पहले दौर से ही क्या तरह से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया लोगों के जांच का, और जब जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई है तब से हम लोग निरंतर टीकाकरण की बात कर रहे हैं, टीकाकरण का सब इंतजाम हो रहा है। और बीच में जो बात आ गई कि 18 साल से ऊपर वाले को राज्य सरकार 18 से लेकर के 45 के बीच वाले के लिए राज्य सरकार को लेना पड़ेगा वैक्सीन, तो वो हम लोगों ने शुरू कर दिया। इसके लिए हम लोगों ने सब चीज रिकमेंड कर दिया, 1000 करोड़ रुपया तत्काल विभाग को दे दिया गया और इन लोगों ने 150 करोड़ रुपया से भी ज्यादा खर्च करके शुरू किया, 40 लाख से भी ज्यादा उसके लिए इंतजाम किया। लेकिन बात हो तो हम श्रद्धेय प्रधानमंत्री, और दूसरा तरफ निगेटिव, तो निगेटिव आस्पेक्ट भी बहुत बिना मतलब का नई पीढ़ी के लोगों को, जिसको कह दीजिए उसको गलत फहमी में डालना, लेकिन हम लोगों का ये फर्ज है कि सबको हम लोग जागरूक करें और नई चीज सभी चीजों को जाने और सब चीजों को जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर रास्ते पर चलने में उनको सहूलियत होगी, नहीं तो उल्टा पुल्टा चीज के चलते कभी कभी किसी को गलत रास्ते पर भेज देगा। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे अन्य पीढ़ी को कहीं भी गलत रास्ते पर जाने का मौका मिले, तो सब मिलकर के एक एक काम को करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तो बड़ी खुशी की बात है कि चलिए मीडिया के लोग भी काफी यहाँ पर आ गए हैं, तो आप सब लोगों का भी अभिनंदन है, बधाई है। आप लोगों को भी बहुत मेहनत करते रहना पड़ता है एक चीज की जानकारी देने के लिए, और आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए हैं और जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, और विशेष तौर पर जो इस काम में हमारे चिकित्सक से लेकर के उनके सहयोगी लगे हुए हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि मिल करके लोगों की रक्षा करने के लगे हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी और इनके तमाम अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अपनी बात ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने तय किया कि नहीं देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से ही टीकाकरण के लिए इसके लिए दिया जाएगा वैक्सीन, और वो काम अब शुरू हो गया। तो कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम चल रहा है और सब तरह से टीकाकरण चल रहा है, तो हर प्रकार के लोगों के लिए टीकाकरण पहला डोज दूसरा डोज सब तरह से चल रहा है, और हम लोगों के यहां तो पूरे तौर पर ये हो रहा है। और हम लोगों ने अब एक बिल्कुल हम लोगों ने तय कर दिया, पिछले महीने ही हम लोगों ने ये तय कर दिया, और ये तय कर दिया कि जो 6 महीना है इस साल का बचा था, और उसी समय से यानी जुलाई से लेकर के अंतिम समय तक हम लोगों 6 महीना में 6 करोड़ लोगों का कम से कम टीकाकरण करवाएंगे। तो अगर इतना हो जाएगा तो 18 वर्ष के ऊपर वाले कोई नहीं बचेंगे। और अब एक बात हो रही है केंद्र में कि भाई 12 वर्ष के ऊपर वाले को भी कराया जाएगा, तो ये जब तय हो जाएगा केंद्र की तरफ से तो उनका भी होगा। लेकिन हर प्रकार से जो काम किया जा रहा, तो पहला डोज पहला तो फेज में भी काम किया गया, दूसरे फेज में भी काम किया गया, और अभी तो बता रहे थे हमारे मंत्री जी कि भाई इसका कौन ठिकाना है कि तीसरा चरण शुरू हो जाए, तो हम लोग तो पूरा कर ही रहे हैं। लेकिन अभी भी जितना जांच कर रहा है, हम लोगों ने बैठ करके निरंतर हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, और हम लोगों ने यही तय किया कि साहब हम लोग जांच भी बहुत करते रहे, और जो जांच करने का सिलसिला है वही लोगों को बचाएगा। अगर जांच नहीं करेंगे, टीकाकरण तो उसको मुक्ति दिलाएगा, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई कौन लोग इससे सफर कर रहे हैं। अगर हम लोग जांच नहीं करेंगे तब पता नहीं चलेगा, अगर एक आदमी का है और आपने जांच नहीं किया तो सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर देंगे। इसलिए बहुत तेजी से एक एक स्तर पर नीचे तक भी जांच का सिलसिला शुरू किया गया, शहर हो गांव हो हर जगह जा करके जो जांच का सिलसिला शुरू कराया गया, इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में कितनी बार घोषणाएं हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया, मंत्री जी ने किया है, विभाग ने किया है, हर प्रकार से। और इसका जो कार्यक्रम शुरू हुआ उन कार्यक्रमों में हम लोगों ने भागीदारी की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत सारी बातें हुई है,
देखभाल से लेकर के एक चीज का कि भाई किस तरह से काम हो रहा, तो इसका जांच और हमने तय कर दिया हम लोग बैठ करके कि भाई हम लोग प्रतिदिन, अब जान लीजिए एक दिन 1,70,000 से भी ज्यादा जांच कराए, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग 2,00,000 से भी ज्यादा प्रतिदिन जांच करें। और जब जांच